हरियाणा राज्य परिवहन निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों के डिपो जीएम को निर्देश जारी कर कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर एम्बुलेंस के लिए ड्राइवरों की मांग की है। आदेश में साफ है कि तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिटों के लिए 614 ड्राइवरों की जरूरत है। इस लिस्ट में यमुनानगर डिपो भी शामिल है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाई जाने वाली पिंक बसों को फिलहाल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली गई है। यमुनानगर डिपो के जीएम ने बताया कि उनके पास 5 पिंक बसें आई हैं। जीएम के अनुसार सरकार द्वारा पिंक बसों को इमरजेंसी में एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनवाया गया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सरकार ने उनको ना एम्बुलेंस बनवाया था, तो इसलिए वो खड़ी है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो। हमारे पास 5 हैं बसें।